अलीगढ़ में हुई मासूम बच्ची की हत्या के बाद पूरे देश में इंसाफ के लिए आवाज उठने लगी है। आज राजधानी दिल्ली के खुरेजी इलाके में अलीगढ़ में हुई मासूम बच्ची की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए शिव मंदिर में पाठ कर कैंडल मार्च निकाला गया। आइए हम आपको विस्तार में बताते हैं पूरा मामला। पूर्वी दिल्ली के खुरेजी इलाके में स्थानीय लोगों ने अलीगढ़ में हुई 3 साल की बच्ची की हत्या के विरोध में श्रद्धांजलि पाठ किया और हाथों में मोमबत्तियां लेकर कैंडल मार्च किया। मार्च में इलाके के लोगों ने कहा कि ट्विंकल हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तेरे हत्यारे जिंदा हैं। लोगों ने मार्च करते हुए हत्यारों को फांसी में लटकाने की मांग की और कहा कि ऐसे हैवान लोगों को तत्काल सजा देते हुए फांसी दे देनी चाहिए और कहा कि यदि उन्हें जल्द फांसी नहीं दी तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह पाठ और मार्च किया जाएगा। भाई साहब, 3 साल की बच्ची ट्विंकल शर्मा जिसका नाम है, उसके साथ अलीगढ़ में कुछ गैर दूसरे मजहब के लोगों ने गलत रेप करा, उसको गाड़ दिया। विरोध हमारा इस बात का है, पहले एक लड़की थी आसिफा, वो भी हमारे देश की बच्ची थी, ये भी हमारे देश की बच्ची है। विरोध में किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर वो लड़की दूसरे धर्म की है तो उसका हम विरोध करेंगे, ये लड़की दूसरे धर्म की हम विरोध करेंगे। इससे पहले सारी बॉलीवुड की पर्सनैलिटीज, सारी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज ने एक प्लकार्ड पकड़ के एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई थी, जस्सी और आसिफा, उसके हम साथ थे। इस बार क्यों मूवमेंट नहीं चलाई गई और इतने दिनों तक सब शांति हो रहे, अब जाके कुछ लोग जागे हैं तो लोग बोलना चालू कर दिए। उसी के लिए हमने एक छोटा सा एक माध्यम, सारे युवा लोग हैं, सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, सारे लड़के हैं, घरों से हमने सबको बुलाया कि आगे से किसी के साथ ये ऐसी घटना ना हो, लोगों पे जागरूक करना कि समाज में ऐसे भी वैश्य रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं और उनके खिलाफ हमें सख्त से सख्त कदम उठाना है और हमें अपने बच्चों की, अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों की सबकी निगरानी रखनी है, सबको देख के रखना है कि कोई गंदा आदमी किसी कातिल खूनी की उन पर नजर तो नहीं है। इसके लिए एक छोटी सी सब भाइयों द्वारा हमें छोटे से माध्यम है, बाकी सब भाई मिलके इतनी संख्या करनी है आज के टाइम में युवाओं की बहुत बड़ी बात समझते। एक हनुमान चालीसा का आयोजन करा छोटा सा, उसके बाद एक छोटी सी विरोध प्रदर्शन की शांतिपूर्वक। कुछ टाइम पहले ऐसा ही विरोध प्रदर्शन एक हुआ था लेकिन उसके अंदर कितनी तोड़फोड़ थी, ये उनके मुंह पे भी एक तमाशा है कि संख्या होने से आपको कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता, बसें तोड़ो, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाओ। निर्देशानुसार कार्रवाई होगी, सरकार भी करेगी, पुलिस भी करेगी। हम इसी हमारे प्रोटेस्ट का माध्यम यही है कि हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं और बताएं कि उनको निर्देश लेने चाहिए। योगी सरकार से उम्मीद है, उसी उम्मीद को लेकर हम यहाँ पे उतरे हैं। सभी युवा मिलकर, पूरा समाज, पूरा देश मिलकर जितना बड़ा मैसेज योगी सरकार तक, मोदी सरकार तक पहुंचाएगा, उतनी बड़ी कार्रवाई होगी। और अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं आती है, जो 300 पार इतना बड़ा हिंदू समाज, इतना बड़ा भारत का समाज 300 पार बीजेपी को लाया है, तो सत्ता में सिर्फ बैठने के लिए नहीं लाया है, काम करने के लिए लाया है। तो हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार, सभी से विनती है, पूरे देश की सरकार से विनती है कि ऐसे जो घटनाएँ होती हैं उसको कृपया रोके और बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई। कुछ दिन पहले अलीगढ़ में एक मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई और इतना ही नहीं, उसके शव से हाथ तक काट लिए गए और कई हिस्से बुरी हालत में मिले, जिसके बाद से ही पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा और नेता से लेकर अभिनेता तक ने आरोपियों की फांसी की मांग की। अगर आपको हमारी यह खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतीक शर्मा के साथ सचिन बिडलान की रिपोर्ट।